Hello, welcome to all of you. New story of mine and you're gonna enjoy it a lot. तो कहानी ये है कि हम शुरू करते हैं। कहानी यहाँ से शुरू होती है। मैं सोच रहा हूँ इसको चिपका दूँ क्योंकि मैं इसे डेली देखना चाहता हूँ, बिकॉज प्रोडक्टिविटी तो ख़त्म हो रखी है अपनी, पता नहीं क्यों। तो मैं इसको इधर चिपका देता हूँ कुछ इस तरह। अरे इधर, मैं इधर में लेके आऊँगा, इधर चिपकाऊँगा तो डेली मुझे देखना है। इधर ही परफेक्ट है आई थिंक। इसको चिपका दिया हूँ। अगर मेरा ध्यान इस पर गया और माइंड फोकस कर लिया तो फिर हो गया काम, तो प्रोडक्टिविटी तो इंक्रीज होगी ही। अगर नहीं गया तो हम फिर से वही ये काम करते रहेंगे, इंडलेस सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग, जो कि किल्स प्रोडक्टिविटी। अब देखो, कहानी की शुरुआत हो ही चुकी है तो हम आपको बता दें, हम गए अपने दोस्त के यहाँ। दोस्त के यहाँ कुछ ऐसा वाक्य हो रहा था तो हम उसमें घुल मिल गए। कुछ इस तरह रुकिए, थोड़ा वॉल्यूम डाउन कीजिए, हम आपको इंट्रोड्यूस करा देते हैं इनसे, आखिर है ये कौन, क्योंकि आप जानेंगे नहीं तो कहानी में मज़ा नहीं आएगा। ये हैं ज्ञानचंद, जितने पतले दुबले उतने ही फनी और बोलने में आतुर। ये हैं ज्ञानचंद, आप जान लें बेहतर होगा। रुके भैया जी, ये लड़का जो आप देख रहे हैं ना, ज्ञानचंद, ये हमको पानी नहीं पीने दे रहा था, पर हमने किसी भी तरह करके पिया है पानी। और भैया आप ये खुशी देख रहे हैं, ये वाली खुशी और ये वाला गम, ये ज्ञानचंद इस कैमरे में आना नहीं चाहते थे और हम सिर्फ ने लाना ही लाना चाहते थे। अनमोल हमारे लिए, ठीक है। अरे वाह, क्या क्वालिटी है, मतलब अनमोल अनमोल क्वालिटी, अनमोल लड़का। ज्ञानचंद जल्दी आओ यार, आपका इंतजार हो रहा है, इधर आ जाओ। आइए सर। अरे सर, आप एक्चुअल में अगर आप कहीं चले जाते थे तो मेरा मन नहीं लगता। यस यस ना, कुछ आप कहें दो सब। मैं क्या कहना चाहता हूँ, यस दिल में तो ये फ्री फायर, ये हाँ ये फ्री फायर में रहता है, उसके आगे सोचना पड़ता है कि मैं कैसे हालात में हूँ। हाँ, कैसे हालात में हैं आप? बहुत मेरा मतलब बहुत बेकार दिन आ चुका हुआ है। कैसे आ चुका है दिन? बहुत बुरा दिन आ चुका। हाँ ओके, आगे। और ये जो बुद्धा का सीएम है ना, हाँ, उससे ज्यादा बेवकूफ मने कभी मिल नहीं सकते। आपने नोटिस किया होगा कि इनका आना जाना लगा है, क्योंकि ये कुछ काम कर रहे हैं और हम सिर्फ आराम कर रहे हैं। अरे सर आए, आप हमारा वीडियो दिखाने वाले थे। दिखाओ वीडियो, दिखाओगे? जो तुम्हारी फुटेज है ना, इसमें देखो तुम्हें समझ में आएगा तुम कितने मेहनत करते हो। जल्दी आना क्या। एक्चुअली हम आ गए मस्ती उस्ती करके, वहाँ पे हमने ज्ञानचंद को इंट्रोड्यूस करा था, वो एक पार्ट है हमारे वीडियो के। तो हम कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ हम आए घर, उसके बाद हमें आ गई थी नींद। नींद के उठने के बाद का कुछ वाक्य और कहानी ये है। एक्चुअली मैं सो गया था, सो के अभी उठा हूँ और मैं नहा के आता हूँ। हाँ एक्चुअली मैं नहा लिया हूँ, अब कहानी को आगे थोड़ा बढ़ाते हैं। जैसे कि आधी सुनी गई बात जहर के समान होती, उसी तरह आधी एडिटिंग कहानी की जहर के समान। नहीं नहीं, ये तो नहीं होता। खैर हम एडिटिंग कर लेते हैं, तो उसके बाद कहानी पे चलते हैं। तो कहानी ये है कि शाम के बजे हैं 5:30 और मैं आया हूँ इधर बाग की तरफ, और
बारिश भी हुई है। एक्चुअली आप बारिश तो देखे किस कदर बारिश हो रही है। हम उसका शॉट आपको दिखाते हैं क्योंकि मैं अकेला आया हूँ और मैंने एक शॉट्स भी लिया है चश्मे के साथ, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। बिकॉज हैविंग अ फन इज ग्रेट थिंग नाउडेज, मतलब इस लॉकडाउन में फन करो बस, बहुत है। हाँ, ये थी मेरी कहानी और मेरे शॉर्ट्स, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। आगे अकेले बाग में आया हूँ और भैया ये कहानी में हमारे जो आज थे अभी पहले से ही शुरू से होते आ रहे हैं, ये ज्ञानचंद जी भी जा रहे हैं, अभी पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, मुझे पता नहीं है। बाकी घर जा रहे हो क्या, जल्दी आना फिर। वैसे पापा का कॉल आया था और मुझे घर जाना पड़ेगा क्योंकि वो बुला रहे हैं और हम सोचते हैं ब्लॉग की एंड ऑफ द स्टोरी यही है और पीक पॉइंट यही है कि मैं बाग में आया था और शॉर्ट्स मैंने लिया है, बारिश हुई थी। तो मिलते हैं नए ब्लॉग में। एक्चुअली ये गाना मुझे बहुत पसंद है, बहुत।